Good morning, dear students of class 8th. As you know that we are discussing chapter Log On to Access today. In it, a very important topic is how to create database and tables. We have already discussed kiya hai. Let us start with it. We will be opening MS Access first in Microsoft Office. This is Microsoft Office Access. When we click on it, we will be finding so many things over here. But we have to look for blank database. We will be clicking on blank database. After clicking on blank database, there is a name box given over here. यह जो हम नाम देंगे ये हमारे डाटाबेस का नेम होगा और इस डाटाबेस में हम जितने भी चाहें टेबल्स बना सकते हैं जो भी हम चाहते हैं इस डाटाबेस में. डाटाबेस का नाम मैं इसमें दे रहा हूँ स्टूडेंट्स बिकॉज आई एम क्रिएटिंग All the tables of students in it. Today I'll be creating one or two tables only. After giving this name, we'll be clicking on create. When we'll create, when click on create, we'll be finding this. You can see here Excel like this columns and rows. Here this is given table 1. टेबल 1 टेबल. तो ये जो हमारा इसमें नाम दिया हुआ है table 1 नाम से दिया हुआ है और ये table 1 इसका नाम है और टेबल ये ऑब्जेक्ट है हमारे डाटाबेस का. अब हम इसमें सपोज कॉलम्स देना चाहते हैं रोल नंबर देन नेम देन एड्रेस देन फोन नंबर और मोबाइल नंबर. वी विल बी क्लिकिंग हियर वी हैव टू चेंज इट because students are having roll number, so I am mentioning it roll number. Then click here. So one message is there that make sure that name does not contain a period, means dot comma. ये special characters हम इसमें नहीं डाल सकते हैं. So we will click in click here again and we will delete dot. So I want to tell you here that when you will be giving name to your fields कि हम जब कॉलम का नेम या फील्ड का नेम देंगे उसमें हम डॉट नहीं डालेंगे, ये ध्यान रखिएगा. तो इसके बाद यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट. एक और चीज़ है, हम जस्ट नेम नहीं दे सकते. अगर हम स्टूडेंट्स का टेबल बना रहे हैं तो वी विल बी मेंशनिंग नेम ऑफ स्टूडेंट्स. अगर कोई एम्प्लॉय का टेबल बना रहे हैं, एम्प्लॉयज़ ऑफ एनी ऑफिस, वी विल बी मेंशनिंग नेम ऑफ एम्प्लॉयज़. ओनली नेम यू विल नॉट बी गिविंग हियर. वन मैसेज विल बी देयर इफ आई विल बी डूइंग इट, सो आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट टाइम. नेम ऑफ स्टूडेंट देन एंड वन मोर थिंग, वी कैन क्लिक हियर एंड वी कैन चेंज द साइज ऑफ इट. देन आई एम बी क्लिकिंग ऑन द नेक्स्ट कॉलम एंड हियर आई एम मेंशनिंग एज आई टोल्ड यू दैट एड्रेस ADDRESS एड्रेस एंड डबल क्लिक हियर एंड नाउ कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट नंबर. दो आई एम नॉट गिविंग डॉट ओवर हियर ऑल्सो कॉन्टैक्ट नंबर. सो दीज आर द डिटेल्स विच वी आर गिविंग टू द टू आवर टेबल. तो इस टेबल का नाम जब हम इसे सेव करेंगे तो ये नाम पूछेगा तो हम इसका नाम दे देंगे और ये स्टूडेंट की डिटेल्स हैं तो हम इसका नाम देंगे स्टूडेंट डिटेल. लेकिन उससे पहले एक चीज़ और हम नोट करेंगे, व्हेन वी आर क्लिकिंग हियर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग डाटा टाइप. देयर आर टेक्स्ट डाटा टाइप, मतलब अगर हम किसी कॉलम में टेक्स्ट एंटर करेंगे तो उसका टाइप जो होगा वो टेक्स्ट टाइप होगा. मेमो आई विल बी डिस्कसिंग लेटर. देन नंबर, तो रोल नंबर क्या है? रोल नंबर इज अ काइंड ऑफ नंबर. तो ये नंबर हम इसे क्लिक करेंगे. ऑटो नंबर अगर हम इसे क्लिक करते हैं वो भी ठीक है, लेकिन ऑटो नंबर में क्या होता है कि वो एक के बाद दो और तीन चार पाँच अपने आप आ जाएंगे. तो अगर किसी केस में आप रोल नंबर स्किप करना चाहते हैं या नहीं मेंशन करना चाहते वो नहीं आप कर पाएंगे. तो इट्स बेटर कि हम इसे ऑटो नंबर ना देकर नंबर मेंशन करेंगे. नेम इट इज़ टेक्स्ट टेक्स्ट टाइप, इट इज़ ओके. एड्रेस this is also text type, it's okay. Address, you may be thinking that we are mentioning house number,
तो हाउस नंबर जो है वो अकेला नंबर नहीं आता है, उसके साथ एरिया का नाम भी आता है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट भी आता है, तो वो नंबर टेक्स्ट ही बन जाता है जब वो बाकी टेक्स्ट के साथ लिखा जाता है। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो नंबर है, लेकिन कुछ टेक्निकल कारण से हम इसे नंबर मेंशन नहीं कर रहे हैं, हम इसे टेक्स्ट मेंशन करेंगे। ये टेक्स्ट मेंशन किया हुआ है जैसे यहाँ पर, तो हम इसे टेक्स्ट मेंशन करेंगे क्योंकि मैथमेटिकली हम इसे नंबर नहीं मान रहे हैं, और इसके लिए तो कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो हम बाद में समझेंगे। तो ये हमारा डेटाबेस एक तैयार हो गया है, जिसका हमने फील्ड्स भी डिज़ाइन कर दिए हैं, फील्ड्स को भी नेम दे दिए हैं, और उनका टाइप भी डिसाइड कर दिया है। तो अगर हम यहाँ पर बच्चे की फ़ीस, स्टूडेंट की फ़ीस मेंशन करना चाहते हैं, तो फ़ीस किस टाइप की होगी? फ़ीस जो होगी हमारी करेंसी टाइप की होगी। अगर उसका हम डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर रहे हैं DOB, तो वो डेट एंड टाइम टाइप का होगा। तो स्टार्टिंग में हम जो डाटा टाइप देख रहे हैं इसमें, वो है टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं हम, नंबर यूज़ कर रहे हैं, और इसके अलावा अभी हम कोई इसमें डेट ऑफ बर्थ मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, वी विल बी डूइंग इट लेटर। सो ये हमारा अब टेबल तैयार है। अब इसमें हम डेटा एंटर कर सकते हैं, जैसे रोल नंबर 1, टैब की प्रेस करें, नाम हम मेंशन कर देंगे शिवम, टैब, देन एड्रेस, एड्रेस में भी आप किसी तरीके से भी मेंशन करें, आजकल जैसे रिवाज है हैश के साथ मेंशन करने का, हैश मीन्स हाउस नंबर, 345 सेक्टर 6। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप 10 डिजिट का कोई भी नंबर मेंशन कर सकते हैं, 10 या उससे कम, कुछ जो आप चाहें। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर 2, देन अनुभव, देन हाउस नंबर 123 सेक्टर 5, देन हाउस जो फ़ोन नंबर है हम इसमें इतने डिजिट का मेंशन करते हैं। अब एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि हम इसमें डेटा डबल टाइम एंटर नहीं कर सकते। अब एक चीज़ इसमें ध्यान में रखिएगा, जो हमारा रोल नंबर फील्ड है, रोल नंबर फील्ड ये हमें ये फैसिलिटी देगा कि हम कोई भी डेटा डबल या ट्रिपल एंटर ना कर सकें। इसमें ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये यूनिक आप वर्ड देख रहे हैं यहाँ पर, यूनिक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और डाटाबेस जो है वो हमें क्या हेल्प करता है, जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं तो उस टेबल में जो फर्स्ट फील्ड होती है वो उसे यूनिक फील्ड बना देता है, और इस यूनिक फील्ड को हम कहते हैं प्राइमरी फील्ड या प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब ये है कि इसमें जब मैं मान लीजिए गलती से भी 2 रिकॉर्ड दोबारा से एंटर करना चाह रहा हूँ, और ये किसी और नाम से हो, जैसे मैं नाम इसमें डाल रहा हूँ शुभम, आई एम एंटरिंग नेम शुभम, शुभम 234 हाउस नंबर, सॉरी हाउस नंबर 234 सेक्टर 4, और इसका मैं डेटा एंटर कर रहा हूँ। मैंने ऐसे ही फेक डेटा एंटर किया है। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, देयर विल बी अ मैसेज, द चेंजेस यू रिक्वेस्टेड टू द टेबल वर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज द की वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यू इन द इंडेक्स और प्राइमरी की। मैंने अभी आपको बताया कि इसे हम बोलते हैं प्राइमरी की या प्राइमरी फील्ड, तो वो कंप्यूटर हमें क्या मैसेज दे रहा है, क्योंकि किसी भी क्लास में एक ही रोल नंबर से 2 स्टूडेंट नहीं हो सकते। अगर आपको याद हो तो हमने एक फैसिलिटी या फीचर ऑफ MS एक्सेस किया था, उसमें मैंने एक वर्ड आपको बताया था डाटा रिडंडेंसी, कि डाटा डाटा जो होता है वो डुप्लीकेशन नहीं हो सकता। अगर आपको याद हो तो हमने इसे बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि जो हमारा टेबल है वो डाटा रिडंडेंसी को फिनिश कर देता है, डाटा डुप्लीकेशन नहीं हो पाता। अब इसमें गलती से भी आप रोल नंबर्स को रिपीट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट इन वन क्लास देयर आर 2 स्टूडेंट्स ऑफ सेम रोल नंबर। सो आई विल बी चेंजिंग इट, इफ आई विल बी मेकिंग इट 3, नाउ इट विल बी एक्सेसिंग ऑल द डेटा सक्सेसफुली। नाउ आई कैन कंटिन्यू विद नेक्स्ट स्टूडेंट, इट इज अमित, सॉरी आई हैव एंटर हियर बाय मिस्टेक,
सो बिकॉज इट इज़ अ नंबर की, तो नंबर फील्ड है तो इसमें डेटा टेक्स्ट नहीं जा सकता, गलती से मैंने कर दिया। तो अमित, अमित, अब इसमें ध्यान रखिएगा जो हमने डेटा जिस फील्ड का बनाया है, जिस टाइप का बनाया है, उसमें उसी टाइप का डेटा कंप्यूटर एंटर करवाता है। सेक्टर 7, फोन नंबर समथिंग एंड एंटर। सो इन दिस वे वी कैन एंटर एज मैनी रिकॉर्ड्स वी वॉन्ट। हियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड एक्सेल डाटाबेस, दैट हियर डाटा रिडंडेंसी विल नॉट बी देयर। एंड अनदर टॉप, अनदर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इट, दैट इज डाटा रिलेशन, मीन्स रिलेशन इन डाटाबेस। यू नो दैट वी आर स्टडिंग RDBMS। तो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि जो टेबल्स होते हैं, अब जैसे ये टेबल मैंने बनाया है, दिस इज, अभी मैंने इसको सेव नहीं किया है, तो मैं सेव करके दिखाता हूँ आपको। आई एम क्लिकिंग हेयर एंड क्लिक ऑन सेव। नाउ इट इज आस्किंग टेबल नेम, कि आप सेव तो करना चाहते हैं लेकिन टेबल को नेम क्या दे रहे हैं। तो मैं नेम दे रहा हूँ उसको स्टूडेंट्स, मैंने बनाया था डाटाबेस और उसका पहला टेबल मैंने बनाया है स्टूडेंट डिटेल। ये टेबल है जो स्टूडेंट डिटेल का जो डेटा है वो कैरी कर रहा है। अब इसमें स्टूडेंट डिटेल नाम इसमें आ गया और स्टूडेंट डिटेल नाम से मेरा डेटा बन गया और उसमें टेबल टाइप है इसकी, मतलब ये टेबल है और इसका नाम है स्टूडेंट डिटेल और जिसमें मैंने ये डेटा एंटर किया है। तो आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू क्रिएट अ टेबल। तो आई थिंक इट विल बी इनफ। नाउ यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो दैट हाउ दिस थिंग इज गिवन। सो इट विल बी वेरी ईजी। इसमें ध्यान आपने क्या रखना है, वेन वी विल बी गिविंग नेम टू अवर कॉलम्स, कॉलम्स को नेम देना है डबल क्लिक करके। पहला जो कॉलम होगा वो यूनिक होगा, जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ ये यूनिक शो करता है, बाकी कोई टेबल यूनिक नहीं होगा क्योंकि एक क्लास में एक ही नाम के दो बच्चे हो सकते हैं, लेकिन एक ही एड्रेस के भी दो बच्चे हो सकते हैं या एक ही फ़ोन नंबर के भी दो बच्चे हो सकते हैं। तो इसलिए ये यूनिक फील्ड नहीं होगी। यूनिक फील्ड जो होगी हमारी फर्स्ट फील्ड होगी, जैसे कि हमारे टीचर के, क्लास टीचर के रजिस्टर के अंदर भी ऐसा ही होता है कि जो फर्स्ट फील्ड होती है रोल नंबर होती है हमेशा, और उसी से बच्चों की पहचान होती है। तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये टेबल बनाने का तरीका है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट। इफ़ एनी प्रॉब्लम इज़ देयर प्लीज़ टॉक टू मी। आई विल बी डिस्कसिंग इट अनदर टाइम इन अदर वे इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट। बट when you will be doing practical in your computer lab, it will be very easy for you to do all these things. Thank you very much. Take care.